ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, इसका तो तहे दिल से इसका हम लोग स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छी इन्होंने पहल की, क्योंकि देखिए जब तक पटाखे पे अब 100% रोक तो लग नहीं सकती है, पर नहीं तो कहेंगे जात पात पे आपने जो हिंदुओं के लिए दिक्कत दिया, आपने अगर 100% रोक लगा देते तो ये बातें आती, पर 2 घंटे का दिया, पर इससे जो सांस के रोगी है, दमा के रोगी है, उनको कितनी प्रॉब्लम होती, इसका इन्होंने कभी विचार नहीं किया कि प्रशासन को भी इस पर देख रेख करनी चाहिए, कभी कूड़ा जलाने से और गंदगी से भी। बिल्कुल, प्रशासन के आज जो भी जमादार कूड़ा जलाते हुए पाया गया उसको तुरंत जो है उसकी नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि कूड़ा जलाना बहुत ज़्यादा शहर को प्रदूषित करना है, उस प्रदूषण से कितने लोगों को दिक्कतें आ रही है, उन्हीं के बच्चों को तकलीफ। पर यह है कि लोग उठाए क्यों, अपना कूड़ा जला दिया, काम खत्म हो गया। हर बार में कही जा रही है, तो ये जद्दी आतिशबाजी जो है इसमें चल रही है, लोग जो पसंद करते हैं वो सब आसमानी आइटम होता है, वो 30 मीटर से नीचे भी नीचे ब्लास्ट करता है, जो छूटता है उससे ऊपर जाके करता है, धुआं छोड़ता है उसके ऊपर। तो ये फैक्ट्रियां हैं उसमें चिमनी लगी रहती है, वो 30 मीटर से ऊपर की लगभग की होती हैं, वो तो साल भर धुआं छोड़ती हैं। आतिशबाजी केवल 2 दिन का है, लेकिन ये 30 मीटर 40 मीटर ऊपर जाके भाई कुछ ना कुछ तो पोल्यूशन है, लेकिन अगर पोल्यूशन वाली बात है क्या पूरे हिंदुस्तान की फैक्ट्री बंद होंगी, सभी जगह पोल्यूशन से चीज़ है, लेकिन आतिशबाजी केवल 1-2 घंटा छूटती है, और जो पोल्यूशन हुआ अगर नीचे ज़मीन में आतिशबाजी छूटती थी उससे थोड़ा बहुत धुआं हुआ होता था, लेकिन अब लोग उसे पसंद ही नहीं करते हैं, जैसे आवाज़ वाली चीज़ें लोग जनरली पसंद नहीं करते हैं, नीचे वाली चीज़ें आमतौर पर लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, नहीं चल रही है, केवल आसमानी आइटम है, तो पोल्यूशन थोड़ा बहुत था, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा एक बड़ी समस्या है और इससे निपटने की हम सबकी जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की भी है और जनता की भी है, हम लोगों को दिशा में सार्थक पहल और प्रयास करने चाहिए। जहाँ तक सवाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन का है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर टिप्पणी तो करी नहीं जा सकती, इसलिए जो भी आदेश और निर्देश है उसका पालन होना चाहिए, इसके लिए शासन और प्रशासन को उपाय करने चाहिए कि आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 घंटे पटाखे फोड़ने की गाइडलाइन जारी करी है, तो कानपुर में प्रशासन इस तरह पर क्या? देखिए प्रशासन तो इसमें करेगा, इसमें बहुत अहम रोल आपका मतलब मीडिया का और हमारे जो साथी लोग हैं कानपुर वासी हैं उनका भी रहेगा, और उनको इस बात को समझना चाहिए कि पॉल्यूशन अगर बढ़ रहा है तो उससे उसका नुकसान उन्हीं को है और उन्हीं के निकट संबंधियों को है, उनके आस पड़ोसियों को है, उनके बच्चों को है। तो जब ये सामाजिक जागरूकता आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, हम भी इसमें प्रयास करेंगे, तो तब ये पॉल्यूशन का लेवल कम आएगा। लेकिन जो प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह से करने चाहिए थे, जी हाँ, जो प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए थी उसकी हमने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी थी, तो वो हम काम कर रहे हैं। जैसे गाड़ियों की चेकिंग होना, आज जैसे करीब 20-25 गाड़ियों को रोक के जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा लेवल अधिक, जिनके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बने हुए हैं वो जारी करा, वो उनकी चेकिंग कराई गई, साथ में छिड़काव की बात है, और जहाँ पे खुले में यदि कोई निर्माण हो रहा है जहाँ पे धूल धक्कड़ बाहर निकल रहा है, छिड़काव नहीं हो रहा है, उसमें बंदी लाने की बात है, तो ये सब चीज़ें यहाँ साथ में करी जा रही हैं। लेकिन इसमें मेरा ये मानना है कि आम जनमानस को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, उसमें आप लोगों का भी काफ़ी अहम रोल है। धन्यवाद।